लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की हालत बेहद मजबूत है और टीम इंडिया की हालत बिल्कुल खस्ता। इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त दमखम दिखाया, हालांकि कई बार इन्हें आउट करने का मौका भी आया, मगर वो मौका भारतीय फील्डर्स ने गंवा दिया। ऐसे में लॉर्ड्स के मैदान में कप्तान विराट कोहली को धोनी की भी याद आ गई। वो हुआ यूं कि मैच का 74वां ओवर चल रहा था और कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे। ओवर की चौथी बॉल पर जॉनी बेयरस्टो सामने थे और बॉल बेयरस्टो के पैड पर लगी। जोरदार अपील हुई लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। कप्तान कोहली तो बॉल लाने बाउंड्री की तरफ भाग गए। इधर कुलदीप यादव दिनेश कार्तिक के पास गए और पूछा कि रिव्यू लेना है या नहीं। विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने तुरंत हामी भर दी और बाउंड्री की तरफ जाने से पहले विराट कोहली स्लिप पर खड़े थे और शायद कोहली को भी अंदाजा था कि बेयरस्टो नॉट आउट है, लेकिन कार्तिक और कुलदीप के कहने पर विराट ने बेमन से रिव्यू ले लिया। मगर हुआ वही जो अंपायर ने कहा था, यानी बल्लेबाज नॉट आउट था और भारत का रिव्यू खत्म हो गया। ऐसे में विराट कोहली मैदान पर ही झल्लाते हुए नजर आए और ऐसा लग रहा था कि मानो विराट कोहली अपने बेस्ट विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी को याद कर रहे हैं, क्योंकि जब धोनी कीपिंग करते हैं तो वो रिव्यू के लिए श्योर शॉट बताते हैं कि आउट है या नहीं, और कोहली भी आंख बंद करके उन पर भरोसा करते हैं। मगर यहां कार्तिक ने रिव्यू के लिए कहा, मगर वो गलत साबित हो गया और इसका खामियाजा कप्तान के साथ साथ पूरी टीम को एक रिव्यू खत्म होने के रूप में उठाना पड़ा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।